मैं इसलिए बार बार ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ हार्दिक, एक आपकी पुरानी साउंड बाइट सुनाना चाहता हूँ। आप क्या कहते थे मोदी जी के बारे में, सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चलाया जाए। आप इतने ठंडे ठंडे क्यों बैठे हैं, ढीले ढीले बैठे, जैसे कोई आसमान से यमराज आकर हमारे सामने खड़ा। हाँ है यमराज, दिल्ली में बैठा है, मुझे मालूम है। देखो, चौकीदार ढूंढना होगा तो मैं नेपाल चला जाऊंगा। मुझे देश में प्रधानमंत्री चाहिए, जो प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की शिक्षा को, इस देश के युवाओं को मजबूत कर सके। चार दिन पहले राजकोट के अंदर नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सिर्फ झूठ बोलते वो आए थे, वो कहते थे कि हमने 4 साल में 900 एयरपोर्ट बनाए। अरे थोड़ा तो कम फेंका करो, किसी को लग जाएगा। ना मुझे हाइट चाहिए, ना मुझे बॉडी चाहिए, ना मुझे 56 इंच का सीना चाहिए, मुझे तो समाज के लिए सिर्फ हक चाहिए। क्या क्या बोला आपने प्रधानमंत्री के बारे में? मैंने इसका जवाब, यमराज झूठ बोलते हैं, 56 इंच का सीना नहीं है। अवस्थी जी, आपने इससे पहले भी जो वीडियो सुनाई उसका भी जवाब मैंने दिया, इसका भी जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये इल्जाम देना ही चाहिए। आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। नहीं, राजनीति में कांग्रेस में फायदा लगा, कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस आज गुजरात में खत्म हो रही है तो आप बीजेपी में आ रहे हैं। जनसेवा के लिए तो सवाल के जवाब देने ही चाहिए, और जो सवाल के जवाब ना दे सके उसको राजनीति में रहने का अधिकार भी नहीं। तो आप अपॉर्चुनिस्ट है ना, मौका परस्त है ना, क्यों कैसे मौके पे चौका लगा रहे? क्या ले लिया हमने? ये बीजेपी में चलेगा, जिस बीजेपी ने आंदोलन खड़ा किया, जिस प्रधानमंत्री को आप कोस कोस कर इतने पॉपुलर नेता बने, आज आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अरे आंदोलन सत्ता के सामने ही होता है, तो बाप बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां मांगने नहीं जाता। तो जनता होती वो सत्ता से मांगती है। मोदी जी का पिताजी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से थोड़ी मांगने जाएंगे। मोदी जी आपके पिताजी हैं। अरे आपने क्वेश्चन चेंज कर ली। नहीं, आप पहले राहुल गांधी जी को बोल रहे थे। अरे मैंने क्या कहा, बाप जो होता है उसी से बेटा मांगता है, बेटा होता वही बाप से मांगता है, तो जनता होती वही सत्ता से मांगती है। जनता जो होती, राज्य की जनता है, देश की जनता, वो किसी चीन के प्रधानमंत्री के जाके मांगेंगे क्या? तो स्वाभाविक ऐसे मांगते हैं। अरे स्वाभाविक है, 56 इंच के सीने में सवाल खड़ा करके सत्ता के सामने लड़ रहे थे यमराज बोल के। अरे सत्ता के सामने लड़ रहे थे। अगर अभी आप ये बोलेंगे कि मैंने बीजेपी का फैसला नहीं किया, मान लीजिए अगर मैं कल कहीं और भी पॉलिटिकल फैसला होगा मेरा, तो अभी मैं सत्ता के सामने मांगूंगा और इसी हिसाब से मांगूंगा। कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी, हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर।
जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।